All right, so we are here with tips and tricks to get you the best score that is possible. So stay tuned for the next 5 to 6 tips that I'm going to give you for properly preparing for NEET, at least in the last few months. ध्यान से सुनना मेरी बात, एंड इट इज टाइम टू गेट योर पेन एंड पेपर हियर. सो आई एम ऑल्सो टॉकिंग विद पेपर एंड अ पेन इन माई हैंड. आई वॉन्ट यू टू नोट ईच एंड एवरी पॉइंट डाउन. पॉइंट नंबर वन, सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्लान आउट योर स्केड्यूल. कोई भी रैंडम रूटीन नहीं चलेगा. द फर्स्ट स्टेप इज यू शुड हैव अ प्रॉपर स्केड्यूल टू स्टिक टू. ठीक है, आप रैंडमली नहीं जाओगे और कोशिश ये करोगे कि जो भी आपका एग्जामिनेशन होगा, डेट होगी, उससे पहले आप अभी इस टाइम पे फिजिक्स करोगे. बिकॉज बायोलॉजी इज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट. अगर आपके बायो में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, डू नॉट वेस्ट टू मच टाइम ऑन इट. ज्यादा वेटेज है, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल स्टार्ट विद फिजिक्स, गो विद केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी. साथ में पढ़ सको तीनों सब्जेक्ट्स को तो बहुत अच्छी बात है, बट इट्स अबाउट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. सो गिव मोर ड्यूरेशन ऑफ टाइम राइट नाउ टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड अ लिटिल लेस टू बायोलॉजी. जैसे जैसे हम पेपर के पास आएंगे, हम बायोलॉजी के फैक्ट्स को वापस रिवाइज करने लगेंगे. So we are going to start opposite here for revision. Next, second point, prioritize your information that you have. Important information, जैसे कि 12th class का syllabus ज़्यादा weightage है. ठीक है, बड़े chapters हैं. जैसे अगर मैं botany की बात करूँ तो we have genetics and ecology, right? Physics में modern physics है. बहुत सारे ऐसे topics हैं जो ज़्यादा weightage carry करते हैं in all of the particular subjects that we have. So make sure that you are targeting the important chapters first. और वो अच्छे से clear है, उनमें कोई doubt नहीं है. Then you can target on chapters that are not of very much high weightage, और उसको सिर्फ NCERT से भी किया तो चल जाएगा. ठीक है, जैसे for example strategies and microbes, a very small chapter, NCERT is enough. Living world enough, no problem in that. Biological classification थोड़ा बाहर जाना पड़ सकता है, लेकिन बाहर भी कहाँ, 12th की किताब तक, that's it. ठीक है, डू नॉट गो बियॉन्ड एनसीईआरटी एंड क्लास नोट्स, नॉट रिक्वायर्ड. लास्ट में प्रिपरेशन में कुछ ऐसा नहीं चाहिए जो और ज्यादा दिमाग खराब करेगा. ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है लास्ट फ्यू मंथ्स में. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, टेक अ फ्रेंड्स हेल्प. चाहे वो डाउट क्लियरिंग है, चाहे वो कोई डिस्कशन है किसी टॉपिक का, कोई ऐसा पॉइंट है जो टॉपिक आपको समझ ही नहीं आ रहा है, पढ़ लिया, सुन लिया, टीचर से पढ़ लिया, फिर भी नहीं आ रहा है, तो सिट विद अ फ्रेंड, डिस्कस, हैव अ गुड डिस्कशन ऑन इट, स्पेंड फ्यू आवर्स ऑन इट. क्योंकि कोई भी टॉपिक जो आप डिफिकल्ट है और ये सोच के छोड़ रहे हो, इन फैक्ट वेटेज ज्यादा है, स्टिल यू आर लीविंग इट, देन इट इज टोटली रॉन्ग. डोंट लीव इट, टेक अ हेल्प ऑफ योर फ्रेंड, बैठो, डिस्कस करो, इंटरैक्ट करो, यू माइट फाइंड अ बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग. फ्रेंड्स डू हेल्प, सारे नहीं चाहिए, 20-25 नहीं चाहिए, एक या दो भी विल हेल्प. ओके, पॉइंट नंबर फोर, टाइम मैनेजमेंट. पेपर में टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है. जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, मॉक टेस्ट्स अटेम्प्ट कर रहे हो, डोंट जस्ट रैंडमली गो बाय. हर एक सब्जेक्ट को आप अराउंड 1 आवर का टाइम दे रहे हो. बायोलॉजी शुड गेट फिनिश्ड इन योर मॉक टेस्ट विद इन 30 मिनट्स. 50% पेपर है बायो का, आपके पास 90 क्वेश्चंस है बायोलॉजी के, मेजॉरिटी पोर्शन आएगा, स्कोरिंग भी है, बट टाइम कम, सबसे कम ले रहा है. सो इसलिए टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से बायोलॉजी should take 30 minutes and then 1 hour 10 minutes, 1 hour 15 minutes for both of your physics and chemistry. ये चीज़ ध्यान रखना final examination में कि OMR filling होगा. It's a pen and paper examination still. So वहाँ पर आपको OMR filling में और in starting of your paper आपको अपना name और सारे के सारे details भरने में भी time लगेगा. So do not neglect that. ठीक है, मान के चलो कि आपके सेंटर पे कोई ना कोई ऐसा मिलने वाला है या कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, यू हैव टू टेक 15 मिनट्स ऑफ ग्रेस. अभी से 3 आवर की प्लानिंग नहीं, यू विल ट्राई एंड फिनिश योर मॉक टेस्ट विद इन 2 आवर 30 मिनट्स. ठीक है, वो आधा घंटा लास्ट का छोड़ दो. हो सकता है फाइनल जगह पे पेपर 5 मिनट लेट मिले, हो सकता है 15 मिनट जल्दी ले ले कोई, मुझे नहीं पता क्या हो, वापस आके बोलोगे तो कोई सुनेगा भी नहीं. So make sure your speed is appropriate. You're attempting all your mock tests, all your practice tests within 2 hour 30 minutes. That's it. ठीक है, last आधा घंटा grace मान के चलो. मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो वैसे भी bubbling के लिए, अंदर circling के लिए आपको time लगेगा.
ठीक है, तो उसके लिए हमें टाइम 15 मिनट तो एटलीस्ट लेके चलने हैं हर सब्जेक्ट के। देन टिप नंबर 5, जब आप अटेम्प्ट करोगे पेपर तो किस ऑर्डर में करना है। पहली बात, व्हेन यू आर सर्कलिंग और बबलिंग द क्वेश्चंस, उस टाइम पे आपको सारे सर्कल 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 करते टाइम ये चीज ध्यान रखनी है, दिस इज द ट्रिक, सारा सब्जेक्ट एक साथ जाएगा, हर एक को आंसर करके सीधा सर्कल नहीं करना है। इससे क्या होता है कि आपका अगर कोई भी क्वेश्चन गलत आपने देखा और आंसर दोबारा रिव्यू करते टाइम पढ़ रहे हो, यू कांट चेंज इट नाउ, ठीक है। तो वंस आप एक बार पूरा बायोलॉजी सॉल्व करो, फिर मार्क करो और हर 5 क्वेश्चन के बाद क्रॉस चेक करो। इट विल टेक टाइम, यू हैव टू गिव इट टाइम। प्रैक्टिस OMR फिलिंग एट होम, जो जो मॉक टेस्ट आप खुद दे रहे हो, एनटीए के ऐप से कर रहे हो चाहे किधर भी कर रहे हो, उसके लिए आप सर्कलिंग वाला काम OMR के PDF का प्रिंट आउट निकलवा लो, गूगल पे मिल जाएगा, जस्ट गेट दैट डन एंड कम से कम 20-25 OMR रखो और प्रैक्टिस करो उसकी। कैसे अटेम्प्ट करना है बायोलॉजी, आई वुड रिकमेंड टू अटेम्प्ट फर्स्ट, क्योंकि काफी चीजें फैक्चुअल होती है, फैक्ट बेस्ड होता है, तो भूलने के चांसेस रहते हैं लास्ट तक पहुंचते पहुंचते। दूसरी चीज बायोलॉजी, क्योंकि 50% पोर्शन है टेस्ट का, तो आई वॉन्ट कि आपके पहले 50% नंबर तो हाथ में हो जाए एंड यू हैव सीन अराउंड 50% ऑफ द पेपर ऑल्सो। थर्ड पॉइंट वाई आई वॉन्ट बायोलॉजी टू बी अटेम्प्टेड फर्स्ट, इसकी एक तो जल्दी खत्म होगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपको, और काफी हद तक जाना पहचाना पेपर होता है तो यू विल गेन कॉन्फिडेंस इन इट। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हो जो फिजिक्स पहले अटेम्प्ट करता है या केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करना चाहता है, तो नो प्रॉब्लम इन इट, बट टाइम देखते रहना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऑलमोस्ट 1 hour 30 minutes तक फिजिक्स सॉल्व कर रहे हो एंड देन यू डोंट हैव एनी टाइम फॉर बायोलॉजी और केमिस्ट्री। बायो का मैक्सिमम पेपर आता होगा और आता हुआ पेपर छूटा तो रिग्रेट ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना मेरी बात। सो मेक श्योर दैट अगर आप कुछ भी ड्यूरेशन ले रहे हो, इफ यू आर गोइंग फॉर अ पर्टिकुलर फिजिक्स और केमिस्ट्री इन द स्टार्टिंग 1 hour, टाइम ड्यूरेशन ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट, इसी के अंदर अब आपके पास ये पॉइंट आ जाता है कि मैम क्या मैं चेंज कर दूं, ट्राई कर लो, यू हैव स्टिल हैव टाइम, ट्राई एंड अटेम्प्ट बायोलॉजी फर्स्ट एंड सी अगर आपके मार्क्स में और स्पीड में कोई डिफरेंस आता दिखता है आपको। अगर नहीं, इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट अटेम्प्टिंग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी, देर इज नो प्रॉब्लम, देर इज नो प्रॉब्लम अगर आप उसको विद इन 3 hours वो पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो, आई वुड से विद इन 2 hour 45 minutes पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन इसलिए मत चेंज करना बस अपना ऑर्डर पेपर देने का जस्ट बिकॉज आपके दोस्त ने बोला, ठीक है, कि चलो मैम वो तो बायो पहले अटेम्प्ट करता है या केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करता है, तो आई विल ऑल्सो डू दैट। डू नॉट फॉलो एनीबडी एल्स, थिंक अबाउट योर सेल्फ, क्या आप बायोलॉजी पहले अटेम्प्ट करना चाहते हो या फिजिक्स। इफ यू आर अटेम्प्टिंग बायोलॉजी, मेक श्योर इट इज 30 minutes, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग इज देयर। इफ इट इज फिजिक्स, मेक श्योर आप विद इन 1 hour 1 hour 10 minutes खत्म कर रहे हो उसका क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, डू नॉट गो फॉर ऑल नाइटर्स, बैठ के रोज रात 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 जाग रहे हो जाग रहे हो जाग रहे हो, इससे आपके ब्रेन की फंक्शन कैपेसिटी कम होगी। एंड इफ यू आर डूइंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 1 month 2 month से आप ये काम कर रहे हो और उसके बाद आप चाहते हो कि बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहे, यू आर हार्मिंग योरसेल्फ, डोंट डू दैट प्लीज। अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो, मॉक टेस्ट में इन चीजों का ध्यान रखना जो मैंने बोला है, एंड डोंट डिस्टर्ब योर स्लीप पैटर्न, गेट अ गुड हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट और अच्छे से एक्सरसाइज करो एंड स्लीप वेल, एक प्रॉपर रूटीन बनाओ जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला था, मेक अ प्रॉपर रूटीन, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। मॉक टेस्ट और सॉल्विंग जैसे ऑर्डर में करते हो, थोड़ा चेंज करना चाहते हो तो अभी है वो टाइम, ताकि एटलीस्ट यू गिव 10, 15, 20 questions, क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट, और उससे आपको आइडिया लग सके। Alright, I hope these tips will help you in preparation. ये मैंने टिप्स दिए आपको फाइनल एग्जामिनेशन के लिए है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस एटलीस्ट 1.5 महीना पहले से स्टार्ट होगी। इवन इफ आर पेपर गेट्स पोस्टपोन्ड ऑफ 2021, वी स्टिल हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू इट, और उसके लिए एक हैबिट बनने में टाइम लगता है। मेक श्योर यू स्टार्ट डूइंग इट टूडे, राइट। इफ यू स्टिल फेसिंग एनी प्रॉब्लम, प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन क्लास। ऑल द वेरी बेस्ट।